हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी मेरा मांग टीका कलेक्शन, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आप मांग टीका कहाँ से लेते हैं। एक मांग टीका तो उसमें से मेरा बहुत वाला फेवरेट है, जो कि मेरी वीडियोस में आप लोग को देखने को मिल ही जाता होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ मेरा बॉक्स जिसमें मेरा मांग टीका रखा रहता है। तो ये है मेरा बॉक्स जिसमें मेरे मांग टीके हैं, और इसमें तो कुछ ब्राइडल मांग टीका है, कुछ पार्टी वेयर, कुछ तो मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, चार पाँच ही है मेरे पास, लेकिन इसमें कुछ ब्राइडल हैं और कुछ पार्टी वेयर है। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोग देखते हो मुझे हर वीडियोस में लगाते हुए, मतलब ये कि मेरा ये फेवरेट वाला मांग टीका है, तो एक ये वाला टीका। ये सब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने ये कहाँ से लिया, आपने ये कहाँ से लिया, आपने ये कहाँ से लिया। ये मैंने मिंत्रा से लिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। ये मुझे मिला था 399 समथिंग का, बट अभी सेल चल रही है तो आई थिंक ये 299 समथिंग का हो गया या फिर 250 समथिंग का हो गया, मुझे इतने अच्छे से पता नहीं। तो आप लिंक पर ज़रूर क्लिक करके देख लीजिए। और ये मेरा फेवरेट वाला मांग टीका है, जब भी मुझे वेडिंग गेस्ट वगैरह में जाना होता है तो मैं इसे ज़रूर अप्लाई कर मतलब लगा के जाती हूँ। तो इसका जो वर्क है ये डल गोल्ड पे है, और इसका जो ये जो इसकी डिज़ाइन बनी हुई है, इसकी जो ये मोती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। तो कुछ इस तरीके से लगता है, और ये बहुत ही अच्छा वाला मांग टीका है, तो इसलिए आपको ये सबसे फेवरेट मेरा है, इसलिए आपको ये आपको हर वीडियोस में देखने को मिल जाता है। बट ये अब मैं इसे नहीं अप्लाई करूँ मतलब लगाऊंगी, क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि आप प्लीज़ इस मांग टीको को हटाइए। और मेरे हस्बैंड ये बोल रहे हैं आप तुम्हें मांग टीका ज़रा चेंज कर दो, बहुत लगा ली हो। अच्छा ठीक है, तो ये मेरा फेवरेट वाला था। तो आप अगर वेडिंग गेस्ट या फिर भाई की शादी, किसी की भी शादी में आप ये मांग टीका ले सकते हो, बहुत ही अच्छा मांग टीका है गाइस, और अफोर्डेबल भी है। उसके बाद ब्राइडल, अगर आपकी शादी होने वाली है और आप कुछ अच्छा सा माथा पट्टी वगैरह ढूंढ रहे हो, तो आप ये वाली ले सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छी है। इसकी आप पिक अगर होगी तो मैं स्क्रीनशॉट पे लगा दूंगी, और स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगी। और ये बहुत ही ऑसम वाली ज्वेलरी, लाइक अगर आपके पास मरून सी कुछ ज्वेलरी है और उसका टीका नहीं अच्छा है, तो आप इस, अरे यार कहाँ फंस गए, और इस टाइप का ले सकते हो यार, बहुत ही अमेजिंग वाला ये है। मेरे पास जितने भी कलेक्शन हैं थोड़े हैं, लेकिन सब सेलेक्टेड वाले होते हैं, मैं बहुत सोच समझ के अपनी ज्वेलरीज लेती हूँ। तो कुछ इस टाइप का है ये, जब इसे आप पहनोगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ऐसे, मतलब पूरा ये डबल चेन पे, मतलब आधा इधर आएगा आधा नीचे लटक के आएगा और बीच में ऐसा होगा। इसका वर्क आप देखिए कितना खूबसूरत इसका वर्क है। ये मैं स्पॉन्सर्ड वीडियोस नहीं कर रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ जो मेरे पास है, मैं वो बता रही हूँ आप लोग को। तो इसकी ये देखिए नीचे की लड़ियाँ, ये कितनी खूबसूरत हैं। और ज़रूरी नहीं, अगर आप हैवी ज्वेलरी पहनने के शौकीन हो तो आप इसे ले सकते हो अपनी किसी की भी मतलब कोई जो सबसे करीब किसी की शादी है आपके, जैसे कि भाई बहन या फिर चाचा मामा, जिनकी भी शादी हो उनकी शादी में भी आप माथा पट्टी लगा सकते हो। ऐसा नहीं सिर्फ ब्राइडल के लिए ही है, वैसे मेरी जब कोई अपने लोगों की शादी होगी देवर ओवर की, तो मैं ऐसा ही कुछ गेटअप करूँगी माथा पट्टी वट्टी लगा के। उसके बाद एक और मेरे पास टीका है, ये भी बहुत ही खूबसूरत टीका है, और ये मैं आपको इसका लिंक नहीं दे सकती गाइस। ये मैंने लिया था अमीनाबाद से, गरवर झाले जो लखनऊ में रहते हैं वो इस जाके ले सकते हैं शॉप, मतलब जब आप एंटर करोगे तो दूसरी शॉप पे ही मिल जाएगा आपको, राइट हैंड साइड पे, और फैशन पॉइंट करके कुछ नाम है शॉप का, मुझे इतने ध्यान से नहीं याद है। तो आप पीस का वर्क देखिए कितना खूबसूरत वर्क है। तो वो वाला जो है मुझे 499 समथिंग का मिला था जो माथा पट्टी है, और ये वाला भी मुझे जो है ये एक्चुअली पूरे सेट के साथ था। तो एक ये माथा, ये मांग टीका और इसका कान का, मतलब ये पूरा सेट था। तो आप लोगों ने देखा होगा जो मेरी 300 ब्राइडल मेकअप था, उसमें मैंने यही ज्वेलरी पहनी थी, और ये ऑसम, मतलब वो वीडियो भी बहुत अच्छे से, मतलब लोगों ने बहुत देखा उस वीडियो को भी। तो ये मांग टीका भी बहुत ऑसम वाला है, तो आप इसको अमीनाबाद से बाय कर सकते हो अगर आप लखनऊ में रहते हो तो। तो एक ये हो गया, उसके बाद नॉर्मल सा भी टीका मेरे पास है, और ये टीका भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये इसका गोल्डन वर्क मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो जब भी आप ना बहुत हैवी ज्वेलरी नहीं पहनना चाहते हो कोई फंक्शन में या फिर कोई किसी की मैरिज वगैरह में, तो ना कान में पहनो ना गले में पहनो, आप खूब अच्छा सा अपना मेकअप करिए, देन आप एक टीका अपने यहाँ पे अप्लाई कर लो, देन आपका जो लुक है ना वो ऑसम वाला लुक लगेगा। जब भी आप कोई मांग टीका वीका अप्लाई करो तो कान में अवॉइड करो, गले में अवॉइड करो, सिर्फ मांग टीका लगाओ, इतना ऑसम लुक लगता है गाइस, बता नहीं सकती। तो जब भी आप मांग टीका लगाना तो ये सब अवॉइड कर दो थोड़ा सा। तो एक ये मांग टीका है, ये भी आपको, इसका भी लिंक मैं नहीं दे सकती, आई थिंक इसका लिंक दे सकती है, ये मिंत्रा पे भी मिल रहा है। और ये मैंने लखनऊ की शॉप लोकल मार्केट से खरीदा था, नखास से, चूड़ी वाली गली में, और ये महज मुझे 100 रुपीज का मिला था, और ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है गाइस। तो यस, कितना हुआ, 1 2 3 4 4 हो गए। ओके, उसके बाद पांचवा, यस पांचवा जो है ये जड़ाओ पे है, ये जड़ाओ वाला मांग टीका है, बट इसे मैंने अभी तक नहीं पहना है क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कुछ लुक क्रिएट ही नहीं किया जो मैं इसे पहनूं। तो आगे वीडियोस में कभी इंशाल्लाह मैं ये पहनूंगी। और इसका जो वर्क है, ये छोटे छोटे से स्टोन इसमें लगे हुए हैं और ये मल्टी कलर के स्टोन लगे हुए हैं। इसका जो गोल्ड का जो बेस दिया वो बहुत ही खूबसूरत बेस है, लाइक इसमें नवाबी टाइप की जो दुल्हने लगाती थी ना, ये उस टाइप का है, तो बहुत ही औसम टीका है। और ये भी मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये का मिला था। तो अगर आप लखनऊ में हैं तो आप चूड़ी वाली गली में जाइएगा और ये वाला टीका जरूर दिखाइएगा, तो बहुत ही गजब का टीका है ये। ओके ठीक, उसके बाद लास्ट वाला जो है मेरे पास वो है माथा पट्टी, और ये ग्रीन कलर की माथा पट्टी है, तो कुछ इस टाइप की माथा पट्टी आएगी, पूरा भर जाएगा आपका, ऐसे पूरा भर जाएगा, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये भी, इसका स्टोन भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, और इसका जो ये मोती है ये भी मुझे बहुत अच्छा, मतलब ये पूरे आपके सर को अच्छे से भर देगा, मतलब अच्छी लगेगी ये, और इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, और इसका स्टोन वगैरह भी बहुत अच्छा है। इसका लिंक भी मैं दे दूंगी क्योंकि मैंने ये मिंत्रा से मंगाई थी, और मिंत्रा पे तो ज्वेलरी का तो कोई जवाब ही नहीं, मुझे मिंत्रा की ज्वेलरी बहुत पसंद है, मैं वहां से ज्यादा शॉपिंग करती हूँ मिंत्रा की, मिंत्रा से, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग को अच्छा ही बताऊंगी ना, बुरा थोड़ी ना बताऊंगी, क्योंकि जो चीज़ अच्छी होगी उसे अच्छी ही कहूंगी। और सब ये कहते हैं कि आप तो हर चीज़ को अच्छा बोलती हो, तो हर चीज़ अच्छी होती तो अच्छी ही बोलूंगी ना गाइस। चलो ठीक है, ये मेरा हो गया, बस इतना ही टीका है मेरे पास, और सबसे फेवरेट वाला भी आज मैं आप लोग को बता दिया, जो मैं हर वीडियोज में लगा के आ जाती हूँ करके, आप लोग कह दो हर वीडियो में आप यही टीका क्यों लगाते हो, क्योंकि मेरा फेवरेट है यार, इसलिए मैं लगाती हूँ। चलो कोई नहीं, वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितना हो सके मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिएगा, और थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो, लव यू, बाय बाय।